दुर्ग निगम ने वार्ड 34 सरस्वती नगर स्थित कुंदरा पारा में काबिज अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाया, जिसके चलते मौजूद भीड़ से बुलडोजर पर बरसने लगे पत्थर। दुर्ग के वार्ड 34 सरस्वती नगर कुंदरा पारा में दुर्ग नगर निगम को 12 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिली। दुर्ग नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणधीन मकान को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज भी कराई गई, जिसके चलते मकान तोड़ते समय चलाए जा रहे जेसीबी पर कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इसके चलते जेसीबी के शीशे पर निशान उभर आए। इस मामले में निगम अधिकारी गिरीश दीवान ने प्रतिक्रिया दी। यहां पर जो है लगभग 12 लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत थी, जिसमें अलग अलग तरीके से 3 बार नोटिस गया। कई लोगों का कहना है कि एक ही बार आया हमारे पास, इसलिए कि नया बना है इसलिए उनको एक ही बार मिला है, बाकी 3 बार हमने नोटिस जारी किया था और आज हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हटाने के कार्रवाई दौरान इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये रुंगटा करके कोई है जो जिन्होंने इस ज़मीन को खाली करने का पहले से ही बलपूर्वक प्रयास किया था, ये हमारी जानकारी में नहीं है। तो इसी चीज़ की विवेचना के लिए आज जो है उसको स्थगित किए हैं और ओवरऑल जो है इनको ये बताया गया है कि आप जो है अपना मकान खाली कर लो, एक दो दिन के अंदर में इनको अटल आवास, बॉम्बे आवास, IHSDP आवास में इनको शिफ्ट करके फिर यहाँ हटाने की कार्रवाई करेंगे। यदि तहकीकात में ये शासकीय ज़मीन या और हमको अग्रिम कार्रवाई के लिए हमको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से। हमको यहाँ शिफ्ट किया गया था, एक्चुअल में इनको किसी के द्वारा बलपूर्वक हम वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी 6 महीने पहले, लेकिन इनको आवंटन आदेश नहीं मिला था, जिसके तहत नगर निगम द्वारा फिर से खाली कराया गया इनको इस आवास को, विधिवत आवंटन आदेश इनको नहीं मिला। हाँ बताया आपको, विवेचना होनी होगी कि इसमें क्या करेंगे और इनको जो है ये तो हम आगे बता चुके हैं कि इनको अटल आवास बॉम्बे में या IHSDP में शिफ्ट किया जाएगा स्थायी तौर पे। वही मकान बनाकर रह रहे लोगों ने दुर्ग निगम की कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक निगम खामोश क्यों बैठा रहा, जहां कई वर्षों से काबिज लोगों ने अपना घर बनाया है, अब किसी के कहने पर यहां दुर्ग निगम कार्रवाई करने पहुंच गया। सर यहाँ सब बस्ती वाले 50 साल से ऊपर से भी रह रहे हैं, कोई नीचे से रह रहे हैं, अब अभी पैदा हुए तो अभी ही आए हैं, जो पुराने लोग हैं रह रहे हैं समझो यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, पूरी बस्ती पहले बंजर थी, पटाव नहीं था, पानी था, इतना पानी था, उसमें भी सब ऐसे यहाँ रहते थे जैसे रहना था वैसे, और धीरे धीरे जैसे कि वहाँ से पूरा खाली था तो धीरे धीरे अपना बसेरा बनाते आए। तो हमारा इतना कहना है, शुरू से जब खाली था तो उस टाइम अपना यहाँ के निगम वाले हो तो निगम वाले अपना गाड़ देते, यहाँ पे सरकारी है और जिसका ज़मीन है वो यहाँ के गाड़ देते कि हमारा ज़मीन है, ये कहना था हमारा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बनते गया। अब आज के डेट में ऐसा हो गया है कि कोई अचानक आके बोलता है कि रोमटा के हम असिस्टेंट हैं या मैनेजर हैं या कोई है, और सिर्फ बोलता ही नहीं है, हाथापाई करने में उतर जाता है। तो हमारा इतना कहना है कि कोई प्रूफ ला दो, आपकी ज़मीन है तो हम अभी खाली कर देंगे, हमारा ये कहना था। तो वो ना प्रूफ दिया ना कुछ दिया, थाने गया, तो थाने हम भी गए, तो हमको वहाँ से आदेश भी मिला कि अगर वहाँ पे नीमांकन नहीं होता जब तक ज़मीन की देख मतलब कटिंग वगैरह जो भी रहता है वो नहीं होगा और जिसका नाम से नहीं निकलेगा तब तक आप लोग वहाँ से मत हटना, और कोई आके ऐसे जबरदस्ती हटाते हैं तो आप लोग तुरंत कंप्लेंट करने आने। नहीं दिए हैं जी नोटिस, नहीं दिए हैं नोटिस। यहाँ पे तो 50 से ऊपर है, समझे थे जितना आबादी उसमें 50 से ऊपर घर है। हम इस मोहल्ले 50 साल से रहते हैं, है ना, उसके बावजूद हमारा क्या घर नहीं, जब बना ना तो हमारा घर तोड़ा गया है ना, हो गया। उसके बाद इसको हम लोग ने मांगने का आदेश दिए इसको, तो वो सर डायरेक्ट बोला तुम लोग को नहीं मिलेगा ऐसी करके। फिर कन्या भाई ढीमर वो मेरे को बोली एक काम कर, यहाँ जगह है यहाँ बना ले और यहाँ रहे ऐसी करके, उसके कहने से मैं यहाँ रही। वो अरुण बोरा जी आए, अरुण बोरा जी को उसने बोली अरुण भैया मैंने संगीता को जगह दी, बोले अरुण बोरा बोले ठीक है, उसको पत्ता देने की कोशिश करना बोले, आए चलो सर हम अपने मन से बनाते तो बात अलग थी, आए आप एकदम दंदना के तुम लोग तोड़ने के लिए आ गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम,
कहाँ जाके बताओ, ये भरी धूप में कौन हमको एकदम अर्जेंट में घर किराए में देगा? नोटिस भेजे करके बोलते थे, हमको नोटिस भी नहीं मिली आज तक, नहीं आई नोटिस हमको, ना ही कोई नोटिस देने आया, ना ही कोई बोलने, अचानक से लोग बुलडोजर लेकर तोड़ने के लिए आ गए हमारा घर। 50 साल में मैं जब चौथी पढ़ती थी तब की मैं यहाँ रहती, यही शादी हुई, यही बाल बच्चे हुए, मालूम कितने लोग का परिवार है आपके? मेरे यहाँ सास ससुर पति बहू, उसके 4 बच्चे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।